हरिओम, स्वागत है आपको हमारे इस दिव्यवाणी कार्यक्रम में, जहां हम प्रतिदिन चर्चा करते हैं आपके राशिफल की, यानी आज का दिन कैसा रहेगा। और पंचांग के अंतर्गत हम यह भी चर्चा करते हैं कि किस मुहूर्त में आपको कौन से कार्य करने हैं, कौन से कार्य नहीं करने हैं, इनकी भी चर्चा होगी। किंतु उसके पूर्व आज जिनका जन्मदिवस है, जिनके विवाह की वर्षगांठ है, उन सबों को बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना, आशीर्वाद आपको। और एक बात स्मरण करा दूं, मेरे YouTube चैनल को यदि तक अभी तक आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अविलंब कर ले, ताकि आपको मेरी सारी वीडियोस आपको निर्वाध निरंतर रूप से मिलती रहे। आप इसका आनंद उठाएं, इसका लाभ उठाएं और प्रियजनों को शेयर भी करें, ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल पाए। आइए आज 29 जुलाई दिन गुरुवार की चर्चा करते हैं। पंचांग की सर्वप्रथम विक्रम संवत 2078 शाक्य 1943 श्रावण मास कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि है, जो कि भोर 5:17 पर्यंत रहेगा। इसके उपरांत सप्तमी तिथि लग जाएगी। उत्तराभाद्र नक्षत्र है, जो कि अपराह्न 2:41 तक रहेगा। तदुपरांत रेवती नक्षत्र लग जाएगी। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। रवि योग आज के दिन की शुभता बढ़ा रहे हैं, जिसके कारण आज का दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। अभिजीत मुहूर्त, जिसकी चर्चा में प्रतिदिन बहुत विशेष रूप से करता हूं, तो अभिजीत मुहूर्त के अंतर्गत किए गए कोई भी शुभ कार्य या यात्रा का प्रारंभ ये चिरकाल तक शुभ और मधुर सकारात्मक फल देता है, जो कि आज 12 बजे से लेकर अपराह्न 12:55 तक रहेगा। ठीक इसके विपरीत राहुकाल, जो या 1:30 बजे अपराह्न से लेकर 3 बजे के मध्य रहेगा, यानी ये 1.5 घंटे का कालखंड प्रतिदिन कोई 1.5 घंटे का हमें मिलता है, तो राहु काल के अंतर्गत किया गया कोई भी शुभ कार्य आपको ये शुभ फलदायी नहीं होता है, अतः इसे त्याज्य माना जाना चाहिए। आज आपको दक्षिण और अग्नि दिशा की यात्रा नहीं करनी है। अति आवश्यक हो तो आपके रसोई में जीरा है, थोड़ी सी जीरा ग्रहण करें और माता रानी के चरणों में अपना प्रणाम निवेदित कर अपनी यात्रा का प्रारंभ करें। आपकी यात्रा मंगलमय हो। आइए बिना विलंब किए अब हम 12 राशि की चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम मेष राशि की चर्चा कर लूं कि शुभ कार्य के पीछे धन व्यय होंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। पुरुषार्थ से कमाया गया धन और शुभ कार्य में खर्च किए धन ही, यही सात्विकता है, यही उचित है एक सांसारिक व्यक्ति के लिए। अपव्यय नहीं होनी चाहिए। गलत दिशा से आया हुआ धन और गलत रास्ते से निकला हुआ धन यह भी उचित नहीं है। वृषभ राशि की बात करूं, बहुप्रतीक्षित योजना, जो बहुत दिनों से आपकी कुछ योजना मन में थी और अटक सी गई थी, किसी कारण से नहीं हो पा रहा था वो कार्य आज संपन्न होने वाले हैं। माता रानी का नाम लेकर संपन्न करें, सब मंगल होगा। आइए मिथुन राशि की भी चर्चा कर लूं कि वैसे विशेषकर वो जातक जो नौकरी पेशे में है, उन्हें नौकरी के क्षेत्र में किसी प्रकार का लाभ प्राप्त होने का अवसर दिखाई पड़ता है। जबकि कर्क राशि वालों को बताऊं कि धर्म कर्म के पीछे आपकी रुचि बढ़ेगी। जिसने धर्म का दामन पकड़ लिया, उसकी तो नहीं आप पार है, इसलिए धर्म से विमुख नहीं होना। कलयुग के राक्षस कई रूप में आकर आपको डाइवर्ट करने की चेष्टा करते हैं, किंतु अडिग रहना है अपने धर्म के मार्ग पर, यही उचित होता है। सिंह राशि की बात कर लूं तो कहूं कि प्राण शक्ति का संचार होना है, आपको रिचार्ज होंगे, आज नई शक्ति आपको मिलने वाली है। ऐसे भगवान से प्रार्थना करके अपनी ऊर्जा का संचय करें और लग जाएं फिर आगे की योजना को कार्यान्वित करने में। कन्या राशि के जातकों को बताऊं कि दैनिक व्यवसाय, जो भी आपके व्यवसाय हैं दैनिक, उस क्षेत्र में आपको लाभ और सम्मान प्राप्त होने के भी योग बन रहे हैं। आपके दैनिक व्यवसाय के क्षेत्र में उन्नति होगा, उत्तरोत्तर उन्नति प्रतिदिन होनी ही चाहिए। और तुला राशि वाले प्रतीक्षा कर रहा हूं तो मैं आपको बताऊं कि शत्रु बाधा से आपको मुक्ति मिलनी है। शत्रु के कारण, शत्रुता के कारण, शत्रु बाधा के कारण अपनी ऊर्जा का भी क्षय होता है, कई योजनाएं लटक सी जाती हैं, मन में एक अजीब सा चिंता आ जाता है और आगे के मार्ग रुक से जाते हैं। तो आज शत्रुता समाप्त होनी है। शत्रु हो सकता है शरणागत हो जाए,
और आगे का मार्ग आपका पुनः प्रशस्त होने का दिखाई पड़ रहा है। वृश्चिक राशि की चर्चा अगर की जाए तो कहूं कि अध्ययन के क्षेत्र, विशेषकर वैसे जातक जो अध्ययन अध्यापन में लगे हैं, उन्हें अपने क्षेत्र में कई प्रकार के लाभ होने के आसार दिखते हैं। धनु राशि की भी चर्चा कर लो तो घर का वातावरण आनंदित सुखद रहेगा। प्रतिदिन ऐसे ही होनी चाहिए, ऐसे ही प्रयास हमें करनी चाहिए। घर तो बिल्कुल एक स्वीट होम ऐसे ही होनी चाहिए। मकर राशि वालों को बताना चाहूं कि भाइयों के साथ सौहार्द बढ़ेगा, हमेशा एक ट्यूनिंग बनी रहे ऐसी चेष्टा करनी है। जबकि कुंभ राशि वाले को तो आकस्मिक धन लाभ होने हैं, अचानक से, संभवतः आपकी कोई योजना भी नहीं थी, आपने सोचा भी नहीं था, और कोई बड़े धन अचानक से आने वाला। लेकिन मैं सुझाव देना चाहूँ, उस धन को आप रखें, उसे यूं ही तुरंत खर्च कर देना नहीं, अचानक से आया गया धन एक हिस्से संचय कर लेना बहुत अच्छा रहेगा। और मीन राशि वालों के लिए, अंतिम राशि के लिए बहुत अच्छी बात है, मन चैतन्य रहेगा, आनंदित रहेगा। मन की चैतन्यता अगर मिल जाए फिर तो संत वाली बात, संतत्व वाली बात हो जाती है। और यही चैतन्यता आपको आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश कराता है, वो उन्नति दिलाता है। और मन की चैतन्यता के लिए तो तपस्या लीन रहते हैं बड़े बड़े साधक। तो आपको भी बहुत मंगल कामना सभी को, और पुनः याद दिला दूं आपको, 12 राशि की मैंने चर्चा करी, YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले, शेयर कर ही रहे हैं, अच्छा लगे तो लाइक बटन भी दबा दें। तो कल पुनः फिर मुलाकात होगी किसी अन्य वीडियो के साथ या कल के राशिफल के साथ। तो लेता हूं विदा, आप मुस्कुराते रहिए, ऊर्जान्वित रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। हरिओम तत्सत।